हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्चुअल ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। कि कहीं पे भी इस चैप्टर में डी लगा होगा तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, राइट। और ऑलवेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइन करते हैं। वैसे ही कहीं पर अगर इस टाइप का ट्रायंगल बना होगा, दैट इज़ डेल्टा, तो इसका मतलब हो गया बिग चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेट इज ऑलवेज डिफाइंड फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है। कहीं पे भी अगर इस टाइप का कोई साइन होगा, डेट इज दो बिग ब्रैकेट होंगी, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट में मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके। तो दैट इज नथिंग बट एक तरीके से मोलारिटी भी हो गया, राइट। ये पॉइंट ध्यान रखना है। कहीं पे स्मॉल आर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है रेट। रेट कहीं पे भी हो वो ऑलवेज कैसे डिफाइंड होता है? एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर किसी क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेट वर्ड आपको लगा देना है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना। ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इस चैप्टर में एक पॉइंट और ध्यान देना, रिएक्टेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? डिसअपीयरेंस। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होंगे, खत्म होंगे, उसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा, इसलिए डिसअपीयरेंस वर्ड यूज किया जा सकता है। कंजम्पशन वर्ड यूज किया जा सकता है। इसलिए कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम होगा, इसीलिए रिएक्टेंट में हम ऑलवेज माइनस साइन लेकर के चलेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपीयर होगा क्योंकि फॉर्म होगा वो, तो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर सकते हैं या फॉर्मेशन की। डैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होगा, राइट। इसीलिए इसका चेंज फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसमें पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आएगा पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो हमें माइनस साइन लेके चलना पड़ता है। जो यूनिट होगी, चाहे वो रेट की या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, सबकी यूनिट सेम होगी, और डैट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो इसलिए मोलारिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। टाइम की कौन सी यूनिट आप यूज करो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट में अगर बात करें टाइम का, तो अगर सेकेंड लोगे तो मोलारिटी सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, डैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये कंसेप्चुअल ट्रिक है जो इजी है, सब लोग जानते हैं। नाउ द मैन ट्रिक, कि आपको कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन गिवेन हो, कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन गिवेन होंगी क्योंकि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल। यहाँ पे ROR का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि सिर्फ रेट बोल देने से भी काम चल जाएगा, सिर्फ रेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल ABDE है वो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैपिटल AB है वो रिएक्टेंट को बता रहा है, और जो DE है वो प्रोडक्ट को बता रहा है। तो कभी भी इस टाइप से, ट्रिक का जो मेन पॉइंट है वो यहीं पे समझे, कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन गिवन हो तो आप डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सीधा जो रिएक्टेंट होगा, डी मतलब वही चेंज, और ये मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम, ये आपको लिख देना है। और माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट में माइनस साइन क्यों लगेगा? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ऑलरेडी पहले नेगेटिव लगा दिया है, राइट। तो रिएक्टेंट में माइनस लेके चलना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, या यहाँ पे भी आपको समझाया कि रिएक्टेंट में माइनस लेके चलना है। सिमिलरली बी रिएक्टेंट था तो DB/DT और माइनस लगा दिया। डी प्रोडक्ट है तो DD/DT कोई साइन नहीं लगाया, मतलब बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन है, और ई प्रोडक्ट था तो DE/DT। ओके, ये क्विकली लिख देंगे, ये कोई भी लिख सकता है। और क्या करना है? स्टैक्योमेट्री को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू में ए से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में डी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में ई। वेरी सिंपल, बात समझे? आपको जैसी एक रिएक्शन दिखे,
तो पहला काम आपको 10 सेकंड के अंदर में क्या कर देना है, ROR इज इक्वल टू रिएक्टेंट में माइनस लगा करके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम और उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड कर देना, वैसे दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बाय टाइम उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड कर देना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय टाइम उसके स्टॉइकोमेट्री से उसको डिवाइड कर देना, दूसरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय टाइम और उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड कर देना। कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन एंड प्रेशर क्या होते हैं डायरेक्टली, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं डीपी बाई डीटी और वही चीज़ रहेगा उसके स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड, तो कंसंट्रेशन को प्रेशर से भी चेंज किया जा सकता है। नाउ एक एग्जांपल से समझाओ सर, तो वेरी सिंपल, अगर मान लो N2 3H2 गिव्स यू 2NH3, ये रिएक्शन देखिए आपको, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे माइनस में dN2 बाई डीटी, एक रिएक्टेंट हो गया, दूसरा रिएक्टेंट को ना हाइड्रोजन माइनस में dH2 बाई डीटी, क्यों लिखना समझ गए, दोनों रिएक्टेंट है माइनस, प्रोडक्ट कौन है NH3, तो dNH3 बाई डीटी इतना लिख लो। अब क्या करना है, इसका कॉफिशियंट कितना 1, तो 1 से डिवाइड करोगे वही बात रहेगी, इसका कॉफिशियंट कितना 3, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड, इसका कॉफिशियंट कितना 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, दैट्स इट, वेरी सिंपल है ये ट्रिक, समझे बात को, तो ये आपका लिखा गया, ये क्या हो गया आपका ROR, दैट इज रेट हो चुका है, ROR या R एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही अगर प्रेशर के टर्म में लिखना होता तो सेम वही बात, प्रेशर ऑफ N2 बाई डीटी राइट, प्रेशर ऑफ H2 बाई डीटी माइनस क्यों लिया, क्योंकि रिएक्टेंट था, और प्रेशर ऑफ NH3 बाई डीटी प्लस क्यों लिया, क्योंकि प्रोडक्ट में, और सिंपल यहाँ पे भी अगेन 1 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आपका 2 से डिवाइड होगा। तो वेरी सिंपल है ये ट्रिक, इस पे बेस कई बार क्वेश्चन आए हैं, जो अभी मैं एप्लीकेशन में बात भी करूँगा कि जो भी बैलेंस रिएक्शन गिवन होगा उसका चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम और डिवाइड कर देना उसके स्टॉइकोमेट्री से, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दे, अगर स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ अगर इसके बारे में बात करेंगे विदाउट स्टॉइकोमेट्री, तो फिर ये फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। सिमिलरली अगर यहाँ पे स्टॉइकोमेट्री मैं नहीं लूँ तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई, जो फॉर्म होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या मेंशन है, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टॉइकोमेट्री डिवाइड होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजम्पशन उनमें स्टॉइकोमेट्री डिवाइड नहीं करते हैं, जस्ट चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। तो अगर सिर्फ स्टॉइकोमेट्री डिवाइड नहीं है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए उसको स्टॉइकोमेट्री को डिवाइड करना है। पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टॉइकोमेट्री 1 है तो वही रेट ऑफ कंजप्शन या फॉर्मेशन भी है और वही रेट ऑफ रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। बट अगर 1 नहीं है स्टॉइकोमेट्री तो आपको ध्यान देना, अगर स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड है तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, और अगर डिवाइड नहीं है तो वो सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजप्शन हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट। तो आई होप ये मेरे ट्रिक वाले पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एप्लीकेशन में जाने से पहले एक छोटी सी ज्ञान की बात, तो ध्यान से देखो कि मैंने ये एक रिएक्शन लिया N2 3H2 गिव्स यू 2NH3। अगर मुझसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या ROR रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप किसी के भी टर्म में लिख सकते हो। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा N2 के टर्म में तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस में dN2 बाई डीटी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टाइम, और इसका स्टॉइकोमेट्री बाय द वे 1 है तो इसलिए 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेट को अगर मुझे H2 के टर्म में लिखना होगा तो माइनस में dH2 बाई डीटी, मैंने पहले ही बोला आप ऐसे लिख दो, उसके बाद इसका स्टॉइकोमेट्री 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अगर NH3 के टर्म में लिखना है तो प्रोडक्ट है तो प्लस dNH3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डीटी, और इसका स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसा हम कब करेंगे, जो क्वेश्चन में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसका लिख करके वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो वो हम किसी रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं या प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, और ये सब इक्वल हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर वहीं पर रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है तो फॉर्मेशन मतलब फिक्स हो गया, प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो सिर्फ कैसे डिफाइंड होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डीटी, ध्यान दे बस इतना ही, इसमें स्टॉइकोमेट्री से डिवाइड नहीं करना है, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन को बता रहा है।
अगर इसी में मैं डिवाइड कर देता स्टॉइकोमेट्री से 1/2 इंटू डी एन एच 3/dt, तो फिर ये क्या हो जाता, ध्यान से देखो, ये हो जाता रेट, फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता। तो इसलिए ध्यान से समझना है, वैसे ही कहीं पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 के बारे में बात कर रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 रिएक्टेंट है, माइनस लगा दो बाई dt, ये हो गया। बाय द वे यहाँ पे चूंकि इसका स्टॉइकोमेट्री 1 है, तो यही आपका ROR भी हो चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर स्टॉइकोमेट्री 1 है तो, वैसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई टाइम, बस इतना ही। ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, दैट्स इट। इसमें स्टॉइकोमेट्री का कोई यूज नहीं। अगर मैं इसमें डिवाइड कर देता स्टॉइकोमेट्री से, दैट इज माइनस ऑफ DH2/dt, और स्टॉइकोमेट्री H2 का 3 से डिवाइड कर देता, तो फिर ये क्या बन जाता, ROR। तो इसलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने क्लियरली बताया कि स्टॉइकोमेट्री से नहीं डिवाइड करेंगे तो फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस होगा, कर दोगे तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर स्टॉइकोमेट्री 1 है तो सब कुछ सेम हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक ये बैलेंस रिएक्शन आपको गिवन था, और इसमें इंफॉर्मेशन ये था कि FeSO4 का 10 मोलर से 8.8 मोलर होने में आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट आपको बताना है, सम नंबर आएगा (10^-6) मोल पर लीटर पर सेकेंड में, राइट। ये 2023 में 11 अप्रैल को शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब ध्यान से देखो, बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं। आपको हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख दो, तो R, और किस किस का मैं लिखूँगा, इसका और इसका, क्योंकि इन्हीं दोनों का निकालना है, राइट। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिएक्टेंट है तो माइनस में 1/6 और DFeSO4/dt। दिस शुड बी इक्वल टू, एक प्रोडक्ट है ये, तो क्या लिखूंगा, 1/3 स्टॉइकोमेट्री DFe2SO4 whole thrice by dt, ये इक्वल होंगे। नाउ हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन, ओनली ये पूछा गया आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 3/6, राइट। और ये चेंज, तो FeSO4 का चेंज देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 8.8 - 10, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ध्यान देना यूनिट का, सेकंड इन्वर्स में, यहाँ पे टाइम आवर में है, तो 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आपका आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर लो आप 10^-6 में बताना है, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, राइट। ये आपका आ जाएगा ऊपर में 1.2, नीचे में 2 × 3 × 6, और ये 10^2। हमें 10^-6 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, इसका एक और हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10^3। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 1000 / 2 × 3 × 6, और ये 10^-6 ऊपर हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से देखो, 6 × 12, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, 333.3 × 10^-6, तो योर आंसर विल बी 333 इंटीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ए गिव्स यू बी, ऐसा गिवन था, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेज बाय 0.2 मोलर इन 30 मिनट, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, सम नंबर (10^-1) होगा, मोल पर लीटर, ध्यान दे आवर इनवर्स में, तो ये बस इसमें यूनिट का ध्यान रखना है। एवरेज रेट क्यों पूछा है, क्योंकि जो चेंज है वो आपको दिख रहा है, सिग्निफिकेंट है, बड़ा चेंज है, और टाइम भी चेंज में बड़ा है, राइट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम, 30 मिनट है उसका ध्यान रखना, आवर में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड, तो ऊपर चला जाएगा 60, तो यह आ गया मोलारिटी पर आवर में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या होगा, 0.2 का ये, तो 10 से 10, 3 × 6, 2 × 4, तो ये 4 × 10^-1 हो गया, तो योर आंसर विल बी 4। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2a + 3b + 3/2c गिव्स यू 3p, तो 4 ऑप्शन गिवन थे, कौन करेक्ट होगा, तो मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ DNA मोल्स ऑफ ए
बाय डी टी, और टू से डिवाइड करना ना भूलेंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन बी मोल्स ऑफ बी बाई डी टी, और थ्री से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी मोल्स ऑफ सी बाई डी टी, और ध्यान दें यहाँ पे थ्री बाई टू से डिवाइड करना है, तो थ्री और टू चला जाएगा आपका ऊपर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर ये माइनस को हटा दें सबका, तो क्या हो जाएगा, डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये टू इधर, टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ डी एन बी बाई डी टी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फोर बाई थ्री टाइम्स ऑफ डी एन सी बाई डी टी। सबका अगर वॉल्यूम सेम होगा तो मोल्स में लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स ए गिव्स यू वाई बी, तो आपको बताना था ये चार ऑप्शन में से क्या होगा, या एक्स वाई के बारे में पूछ सकता है इंटीजर टाइप में, और रिलेशन आपको गिवन था कि लॉग 10 माइनस डी ए बाई डी टी लॉग 10 डी बी बाई डी टी प्लस 0.301। तो कुछ बच्चे तो लॉग देख के डर जाते हैं, राइट, डरने की बात नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.303, राइट। अब उसके बाद आप क्या बना लोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग 10 डी बी बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, लॉग 10 माइनस डी ए बाई डी टी। डरना नहीं बेटा, लॉग कैंसिल हो जाएंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और ये 2 को नीचे डिवाइड कर दो, तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया, माइनस में 1/2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स गिव्स यू वाई, इस टाइप का होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करो, तो यहाँ पे इसका अगर मैं डबल करूँगा तो ये मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ये तो दोनों सेम ही थे, और यहाँ पे ध्यान देना कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, ये 2 टाइम्स ऑलरेडी है, तो ये आपका नहीं हो सकता, राइट, क्यों, क्योंकि हमें 2 टाइम्स ऑफ एक्स गिव्स यू वाई, तो वी कैन राइट 2C2H4 गिव्स यू C4H8, एक रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, या एक्स की वैल्यू पूछता है तो एक्स शुड बी 2 और वाई शुड बी 1, तो इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का जब भी पूछे तो कॉन्स्टेंट को लॉग की वैल्यू से एडजस्ट करो, उसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी लगा दो और आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक रिएक्शन आपको ऑलवेज बैलेंस रिएक्शन गिवन होगी, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस MnO4- माइनस का गिवन था, तो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ I2 पूछा है, राइट, तो अगेन वही सेम पॉइंट, पहले आप ROR लिख दो, कभी भी ROR किस किस का लिखना है, एक MnO4- माइनस का और एक I2 का। MnO4- माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 DMnO4- माइनस बाई dt, दिस शुड बी इक्वल टू, अगर I2 का लिखेंगे तो प्रोडक्ट है 1/5 di2 by dt। रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, ध्यान दें सिर्फ इतना वैल्यू आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, अपेयरेंस सिर्फ इतना, तो दिस शुड बी इक्वल टू 5 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/2 टाइम्स ऑफ DMnO4 by dt, जो आपको गिवन है 4.56 × 10⁻³। अब कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं और गुना या डिवाइड करने लगते हैं, ये सब नहीं करना, ऑप्शन चेक करो, ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, 2.5 × 4, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 की एक पावर कम हो जानी चाहिए, तो 10 की एक पावर कम हो जानी चाहिए, तो ध्यान से देखो एक ही ऑप्शन है, ये नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने से कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, जस्ट ऑप्शन चेक करो आप और आपका आंसर आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, मैंने ऑलमोस्ट सारे PYQ ही लिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको आइडिया दे दिया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट ट्रिक लेके आऊँगा। थैंक यू।